Standard is attention. So let's start PT number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, तो आगे तुम लोग तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे सलमान भाई की फिल्म किसी की भाई किसी की गांड किसी की जान के गाने के बारे में। हाँ तुम बिल्कुल सही समझे हो, वही गाना जिसके कारण सलमान भाई को आजकल बहुत ट्रोल किया जा रहा है, वही गाना जिसको करके सलमान भाई धर्म संकट में पड़ चुके हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वही गाना जिसको देख के राजपाल यादव को ऐसा लग रहा है अब इस गाने का नाम है नयो लगदा, पर इसको देख के सब कुछ लगता है अच्छा छोड़ के। मींस कि इस गाने को इस फिल्म की जरूरत नहीं थी और ना ही इस फिल्म को इस गाने की। देखो भाई ट्रेलर अच्छा था और उसने हमारे दिल में उम्मीद भी बना दी थी, पर इस गाने ने उस उम्मीद की मात। अरे भाई मूवी आपका एक्शन वाला है और साला आपका गाना एक्शन के अपोजिट है, मतलब कम से कम थोड़ा आपको यहाँ भी ध्यान देना चाहिए था। अब जरा तुम यही देख लो, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। तो भाई ये वही सीन है गाने का जिसको लेकर भाई का सब मजाक बना रहे हैं, ये वही सीन है जिसमें भाई स्टेप की गेंद मार रहे हैं। देखो भाई इसको देख के हार्ट अटैक नहीं बल्कि गांड का अटैक आता है, और मुझे तुम्हारा नहीं पता बट ये देखने के बाद अपन को गांड का अटैक दो बार आया था, जिसके बाद मैं दो दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती भी था और इसके कारण मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया। भाई ने ये जो भी किया है सच बता रहा हूँ उन पे ये सूट नहीं कर रहा है, और जिनको अभी भी लगता है कि भाई भी ये गाना बहुत अच्छे से सूट कर रहा है तो भाई आग के अंदर हो या फिर गांड के अरे ये गाना मॉडर्न नहीं बल्कि 90s का कोई गाना लग रहा है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि या तो सलमान भाई 90s में चले गए हैं या फिर 90s सलमान भाई के अंदर आ चुका है। और मैं ये बोल के ये नहीं कह रहा हूँ कि 90s गाने अच्छे नहीं हुआ करते थे, बट भाई इतने खराब भी नहीं हुआ करते थे। और साला कोई मुझे बताओ कि ये सलमान भाई के बाल काले से भूरे कैसे हो गए भाई, इतने छोटे से इतने बड़े कैसे हो गए भाई, कोई तेल वेल लगाया है क्या या फिर विग लगाया है? नहीं पता इस गाने का सिंगर कमाल खान है, ये वाला नहीं रहे बल्कि ये वाला, और इनका नाम कमाल होने के बावजूद इन्होंने कमाल तो बिल्कुल नहीं किया है, पर सलमान भाई के लाइफ में धमाल जरूर मचाया है। और हाँ मेन आइटम तो बची गया, इस गाने को जानते हो म्यूजिक किसने दिया है? हमारे प्रिय हिमेश भैया जी ने, वही जिन्होंने 3 मिनट का टीजर बनाया था, वही जिन्होंने बैड एस रवि कुमार जैसे बवासीर बनाया था। अब वो दोनों कहाँ है मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि खूब मिलता है रंग जब मिल बैठते हैं तीन यार, हिमेश भैया सलमान भाई और ये गाना। अबे तू थोड़ा सा बहन का। देखो भाई नो डाउट हिमेश भैया इज अ गुड सिंगर, वो तेरा तेरा सुरूर करके लोगों के अंदर गुड़ ढूंढ लेते हैं, बट पास्ट में अपने कुछ गलतियों के कारण ये लोगों का मजाक बन चुके हैं। और सलाह इसलिए कहा जाता है कि जो नहीं हो पाता उसको नहीं करना चाहिए, क्या मतलब मुझसे भी नहीं हो पा रहा है अरे बेचैनिया इसलिए है क्योंकि आपकी हीरोइन का एज बहुत कम है और ऊपर से वो मुझे माल लग रही है पूजा भी ये गाना बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। हाँ वो बात अलग है कि अगर इस गाने में मैं होता तो शायद ये गाना और अच्छा बनता, पर मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। जय हिंद दोस्तों। देखो भाई ये गाना नहीं बल्कि गाने के नाम पे टट्टी है, और मैं इस फिल्म से ऐसा गाना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अरे सलमान भाई बी ए मैच्योर, आपके ऊपर अब ऐसा गाना सूट नहीं करता। हाँ पहले करता था बट उस टाइम जनता मूर्ख थी, बट अब जनता जागरूक हो चुकी है। और हाँ जिन्होंने भी ये स्टेप कोरियोग्राफ किया है मेरी तरफ से उनको 7 गांड की सलामी। बेचारे ये करने के बाद सलमान भी उनके घर पे जाके ये कह रहे होंगे का बवासीर बना दिए हो। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। देखो भाई ये डांस का स्टेप तो बिल्कुल नहीं लगता, पक्का इसको जिम ट्रेनर ने कोरियोग्राफ किया है, क्योंकि ये स्टेप्स कम और जिम में की गई बकचोदी ज्यादा लगती है। सलमान भाई पे कई आरोप लगते आ रहे हैं, कोई कहता है कि वो फिजिक्स की माँ बहन करते हैं, तो कोई कहता है फुटपाथ की, कोई कहता है उनको प्यार नहीं मिला, तो काला हिरन कहता है मुझे इंसाफ नहीं मिला। बट पता है मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ सलमान भाई बी ए मैच्योर। अब मेरा पसंद है तो मैं सलमान भाई के पास जाकर उनको मैच्योर कर देता, बट औकात नाम की भी चीज होती है। पर अब तुम कहोगे कि हाँ भाई तेरी औकात तो इलॉन मस्क से भी ज्यादा है ना, तो भाई नहीं रे मेरी औकात इस लाइक गाँव की बिजली, कभी आती है या कभी जाती ही नहीं। सलमान भाई के इस गाने को देखने के बाद मैं इस नतीजे पहुंचा हूं, या तो हिमेश भैया को बैन कर दो या फिर उनको रानू मंडल दे दो। पर इसमें तुम्हारा सवाल ये होगा कि भाई गाने में काम सलमान भाई ने किया है, गाने को गाया कमाल खान ने है, तो तू सारा बिल हिमेश भैया पे क्यों फोड़ रहा है बे? तो भाई एक वही है जिसे मैं अच्छे से ट्रोल कर सकता हूं, बिकॉज फुटपाथ पे मैं भी सोता हूं। किसी के भाई किसी जान का ये गाना देखने के बाद अपन अब कभी भी गाना नहीं सुन पाएगा क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं। अरे नहीं भाई मैंने सोचा था कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको देख के होश क्या कबूतर भी उड़ जाएंगे, पर जो मिला वो कबूतर की टट्टी है। बाकी जो भी है मेरी बातों को दिल पे ना लेना बल्कि पिछवाड़े पे लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही फनी वे में वीडियो बनाता हूँ, ये सब मजदूरी के लिए किया गया मजाक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं है तो कमेंट में गाली देना, पर भाई कुछ तो जरूर करना। खैर इसी के साथ मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जिन्हें तुम्हें देखना चाहिए, बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो हां थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय।